जो नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय संसद में 150 सांसदों को निलंबित कर दिया है। ये निलंबित करने के खिलाफ आज समस्तीपुर में न्यायालय के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया है। इस विरोध मार्च में भाजपा राजद कांग्रेस सांसद निलंबित कर नरेंद्र मोदी निलंबित कर दिया है और मन लाइक लगातार विधेयक को पारित करवा रहा है। 150 सांसदों की सदस्यता का निलंबन वापस लेने के सवाल पर, संविधान पर जो हमले हो रहे हैं वो रोकने के सवाल पर, लोकतंत्र की हत्या के रोकने के सवाल पर आज इंडिया अलायंस के बैनर तले समस्तीपुर में विरोध मार्च निकाला गया है। और विरोध मार्च निकाल करके तानाशाही सरकार जो भारत के भाईचारा का शत्रु है उनको ऐलान किया जाता है कि आप अपने तानाशाही थोपने की कोशिश से बाज आइए, निलंबित वापस लीजिए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी है आज इंडिया अलायंस के द्वारा समस्तीपुर में विरोध मार्च निकाला गया है। ये जानकारी हो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तानाशाही का परिचय देते हुए 150 सांसदों को निलंबित कर दिया है और धराधर मनमाना विधेयक संसद में पारित करवा रहा है। ये तमाम एमपी का निलंबन वापस लेने के सवाल पर इंडिया अलायंस के द्वारा, जिसमें माकपा है, भाजपा है, भाजपा माले है, राजद और कांग्रेस के लोग हैं, समस्तीपुर में विरोध मार्च निकाला गया है। विरोध मार्च के जरिए मांग किया जा रहा है कि 150 सभी निलंबित सांसदों का निलंबन वापस हो, नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही बंद करे, नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष विहीन सांसद, आंदोलन विहीन सड़क और लोकतंत्र विहीन देश बनाना बंद करे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, भाजपा माले, समस्तीपुर। विकास विस्तार मंच की ओर से डीआरएम के समक्ष धरना देकर के भोला टॉकीज रेल गुमटी पर ओवर ब्रिज बनाने, मुक्तापुर रेल गुमटी पर ओवर ब्रिज बनाने, दलसिंहसराय रेल गुमटी पर ओवर ब्रिज बनाने, कर्पूरी ग्राम से होते हुए ताजपुर, भगवानपुर, नई रेल लाइन परियोजना शुरू करने, केवल स्थान से कर्पूरी ग्राम नई रेल लाइन परियोजना शुरू करने के साथ उजियारपुर होते हुए दलसिंहसराय रेल लाइन परियोजना शुरू करने। आपको बता दें कि अभी लोकल गाड़ी को स्पेशल गाड़ी बना दिया जाता है और टिकट का मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है। इस चीज़ से रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्रालय को बाज आने के लिए हम लोग धरना के माध्यम से मांग किए हैं, अन्यथा 22 जनवरी को सर्वदलीय महाधरना यहां पर दिया जाएगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, भाजपा माले, जिला कमेटी सदस्य, समस्तीपुर। नहीं तो आने वाले दिनों में और भी व्यापक कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा। ये स्थिति है, अभी रेल में कई तरह की समस्याएं हैं, आम जनता को समझ भी नहीं आ रहा। स्पेशल गाड़ियों के नाम पर चलाया जाता है और उसे 2 गुना 3 गुना पैसा लिया जाता है।
ये समस्याएं हैं। रेल की तो इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी आने की सूचना होती है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। हम लोग का जो संगठन है आरवाईए वो लगातार लड़ रहा है कि मोदी जी आपने जो 2014 में वादा किया था कि हर प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो नौजवान हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार मांग रहे हैं कि रोजगार मोदी जी दीजिए, लेकिन मोदी जी के पास रोजगार नहीं बल्कि GST ला करके नोटबंदी ला करके पूरे देश का जो छोटा मोटा व्यापारी व्यापार करके जैसे हमारे आपके अबू जी आज मोदी सरकार के द्वारा सत्ता में आने से पहले देश के नौजवानों को संदेश दिया गया था, घोषणा पत्र दिया गया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज कई वर्ष 2 दशक बीत जाने के बाद, मतलब 9 साल 10 साल बीत जाने के बाद देश के अंदर रोजगार देना तो दूर, जो लोग रोजगार में थे तमाम लोगों का रोजगार मोदी सरकार ने छीन लिया है। तमाम कंपनियों को जो सरकारी संस्था थी तमाम संस्थाओं को निजी हाथ में सौंप दिया है। इस सवाल पर आज इनकलाबी नौजवान सभा ताजपुर ब्लॉक कमेटी की बैठक की गई है और आने वाले समय में 10 जनवरी को भाकपा माले के बैनर तले नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन है, जो नगर परिषद क्षेत्र की जन समस्या को लेकर के जैसे रोड टूटा हुआ है, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, कई होल्डिंग टैक्स में जो बेतहाशा टैक्स वसूला जा रहा है, उन सब सवालों को लेकर के 10 जनवरी को भाकपा माले के बैनर तले ताजपुर नगर परिषद कार्यालय घेराव होगा। आसिफ होदा, इंदौर जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। संस्था मान लीजिए कि बैंक और भी कई संस्था था, उसको सरकार क्या किया कि निजी हाथ में सौंप दिया, सरकार ठेका पर दे दिया कंपनी को, अडानी अंबानी जिंदल मित्तल जितनी भी कंपनी है सबको दे दिया। अब संगठन चलाने का मेंबरशिप आप जो तय कीजिए, बाद में तय कीजिए, मगर मेंबर आपको बनना होगा, तभी संगठन का मायने होता है, नहीं तो संगठन हवा में नहीं चलता है। संगठन का आप सदस्य बनाइए, संगठन का आप सदस्य बनिए। बैठक के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? आज ताजपुर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन गोपगुट एकटू के बैनर तले यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक से एक संयोजन समिति का भी निर्माण किया गया है, जिसमें राधा देवी को संयोजक, आरजू जी को सहसंयोजक के रूप में चयनित किया गया है। और यह बैठक इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पूरे बिहार में जो 71 दिन तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की हड़ताल चली और ये हड़ताल बिल्कुल बेनतीजा रही, और बेनतीजा ही नहीं बल्कि इस हड़ताल से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पे दमन चक्र शुरू हो गया और 18,000 सेविका सहायिका को रोड पे ला करके पटक दिया गया है। आज इनको घर चलाना मुश्किल हो गया है और 10,000 सेविका और 8,000 सहायिका आज ये पूरे मुश्किल में है, इनका परिवार चलना कठिन हो गया है, इनके बाल बच्चे भूखे हैं, दोनों समय चूल्हा नहीं जल पा रहा है। इस पोजीशन पर बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ला कर रख दिया है और जो हड़ताल के नेतृत्वकारी लोग थे इन लोगों के भी गलत नीतियों के कारण आज पूरा बिहार में ये हड़ताल बिखर गया और बेनतीजा हो करके आज सबके सामने खड़ा है। इसको अब हम लोग फिर से नए सिरे से पूरे बिहार में संगठित करते हुए सरकार से हम लोग यह मांग करेंगे, 24 तारीख को राज्य में बैठक है पटना में विधायक दल के उपनेता सद्देव राम के आवास में हड़ताली मोड़ पर, कि सबसे पहले सरकार चयन मुक्ति वापस ले और मतलब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अपने मद से बिहार सरकार पैसा बढ़ाए और इन्हें अंशकालिक नहीं पूर्णकालिक का दर्जा दे। इन्हीं 3 मांग को लेकर के हम लोग मुख्य रूप से अब इस मांग को लेकर के नए सिरे से नई दिशा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन को एक संपूर्ण रूप में हम लोग आगे बढ़ाने का निर्णय लिए हैं और इस ताजपुर में भी यहाँ की सेविका सहायिका इस आंदोलन का भरपूर